गॉड पावर चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पितृ पक्ष 14 सितंबर से शुरू हो रही है और यह वीडियो मैं इसी संदर्भ में देने जा रहा हूँ। किस दिन कौन सी श्राद्ध पड़ेगी, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। कृपया कर इसे पूरा देखने की कोशिश करें। जो भी साधकगण पितृगण को श्राद्ध देने के इच्छुक हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितृ पक्ष आरंभ हो जाता है। इस वर्ष 13 सितंबर पूर्णिमा को ऋषि तर्पण होगा और इसके बाद 14 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो जाएगी, जो कि 28 सितंबर तक चलेगी। पितृ पक्ष, जैसा कि जानते हैं आप लोग दोस्तों, अपने पितृगणों को याद करने का समय है और इनके नाम से पिंडदान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। ऐसा माना जाता है पितर अपने परिजनों के पास पितृ पक्ष श्राद्ध के समय में आते हैं और अन्न, जल एवं आदर की अपेक्षा करते हैं। जिन परिवार के लोग पितृ पक्ष के दौरान पितरों के नाम से अन्न, जल दान नहीं करते, श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके पितर भूखे प्यासे धरती से लौट जाते हैं। इससे परिवार के लोगों को पितृ दोष लग जाता है। इसे पितृ साप भी कहते हैं। इससे संतान प्राप्ति में बाधा आती है, परिवार में रोग और कष्ट बढ़ जाते हैं। इसके कुछ नियम है जो आप लोगों को मैं बता दूं, इसके बाद जानेंगे किस दिन कौन सी श्राद्ध है। पितृ पक्ष में जिन तिथियों में पूर्वज यानी पिता, दादा, परिवार के लोगों की मृत्यु हुई थी, उन तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। देवताओं की पूजा सुबह में और पितरों की दोपहर में की जानी चाहिए। इस वर्ष अश्विनी कृष्ण द्वितीय तिथि दो दिन है, 15 और 16 सितंबर को। ऐसे में उलझन यह है कि द्वितीय तिथि की श्राद्ध किस दिन किया जाएगा। नियम के अनुसार जिस दिन दोपहर के समय अधिक समय तक जो तिथि व्याप्त रहे, उस दिन ही उस तिथि का श्राद्ध किया जाना चाहिए। यह जान ले दोस्तों, इस बार 15 तारीख को ही द्वितीय तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इस बार श्राद्ध पक्ष में एकादशी और द्वादशी का श्राद्ध एक ही दिन होगा। द्वादशी तिथि का 6 है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सी श्राद्ध है। 13 सितंबर दिन शुक्रवार, पूर्णिमा श्राद्ध। 14 सितंबर दिन शनिवार, प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध। 15 सितंबर रविवार, द्वितीय तिथि का श्राद्ध। 17 सितंबर मंगलवार, तृतीय तिथि का श्राद्ध। 18 सितंबर बुधवार, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध। 19 सितंबर बृहस्पतिवार, पंचमी तिथि का श्राद्ध। 20 सितंबर शुक्रवार, षष्ठी तिथि का श्राद्ध। 21 सितंबर शनिवार, सप्तमी तिथि का श्राद्ध। 22 सितंबर रविवार, अष्टमी तिथि का श्राद्ध। 23 सितंबर सोमवार, नवमी तिथि का श्राद्ध। 24 सितंबर मंगलवार, दसवीं तिथि का श्राद्ध। 25 सितंबर बुधवार, एकादशी का श्राद्ध और द्वादशी तिथि का श्राद्ध। 26 सितंबर बृहस्पतिवार, त्रयोदशी का श्राद्ध। 27 सितंबर शुक्रवार, चतुर्दशी का श्राद्ध। 28 सितंबर शनिवार, अमावस्या और सर्वपित्री का श्राद्ध। 29 अक्टूबर रविवार, नाना नानी का श्राद्ध। श्राद्ध की तारीख इस प्रकार थी। किस दिन कौन सी श्राद्ध है, ये आपने जान लिया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। जिनके घर में पितृपक्ष श्राद्ध होती है, शायद अगर आप शेयर कर दें तो उन्हें ये जानकारी हो जाएगी। अगले वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप याद रखेंगे तो आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। अगला वीडियो देखने की जरूर कोशिश करें दोस्तों।